गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो विल यू स्टार्ट पार्ट टू ऑफ आवर चैप्टर सीड्स. ठीक है, होप आपने पार्ट वन में जो है अच्छे से इन सारी चीज़ों को किया होगा. लाइक आपको प्रोजेक्ट दिया गया था कि आपको तीन बाउल्स लेके डिफरेंट डिफरेंट बाउल्स को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में रखना है और उनमें क्या चेंजेस हुए हैं आपको वो नोट डाउन करने. और आपके पेज नंबर 44 पे भी एक एक्टिविटी थी प्लांट और सीड्स करके, वो भी आपको करनी थी कि आपको एक सीड अपना प्लांट करना था. कोई भी सीड लेके, राजमा छोले या कोई भी सीड लेके, और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं डे बाई डे वो आपको नोट डाउन करने थे. आपके पेज नंबर 44 पे भी एक टेबल बनी हुई है, अगर आपको यहाँ से दिख रही होगी तो. ठीक है, इसी टेबल को आपको फिल भी करना था. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट टू जो कि प्लांट्स विच हंट. ठीक है, प्लांट्स विच हंट. अब हंट क्या करना होता है, जो लाइक कि मार देते हैं. ठीक है, हंटर आपने सुना होगा इंग्लिश की किसी पोएम में, हम चैप्टर में हंटर बोल. ठीक है, अभी तक तो हमने देखा था कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ही हंट करते हैं, यानी कि एक दूसरे पर हमला करते हैं. ठीक है, बट क्या प्लांट्स भी हमला कर देते हैं? तो प्लांट्स कैसे हमला करते होंगे? ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसमें एक जो है प्लांट का नाम दिया गया है जो कि है पिक्चर प्लांट. ठीक है, अब पिक्चर प्लांट है कैसे? पिक्चर प्लांट जो है वो एक लाइक ऐसे कोन टाइप में होता है. ठीक है, और उसकी एक लीफ होती है ऐसे ऊपर की तरफ, और कोई भी छोटा इंसेक्ट जो होता है, ठीक है, वो जब आता है यहाँ पे तो वो जो लीफ है ये बंद हो जाती है. ठीक है, लीफ जो है वो बंद हो जाती है, उसको हंट कर लेती है. ठीक है, ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन जगहों पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं. ठीक है, अब देखिए सो मैनी सीड्स. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया है, सो मैनी सीड्स. अब सो मैनी सीड्स मतलब बहुत सारी सीड्स. आपने अपने घर में बहुत सारी सीड्स देखी होंगी, क्योंकि हम जिस एरिए में रहते हैं वहाँ पे ज़्यादातर फार्मिंग होती है. ठीक है, खेती वगैरह ज़्यादा होती है, तो हमने बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की सीड्स देखी होंगी. गेहूँ देखे हैं, गेहूँ को भी अगर आप बो देते हो तो थोड़े दिन बाद वो उगने लग जाता है. ठीक है, ऐसे ही राजमा है, छोले हैं, चावल हैं. ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ऐसे डिफरेंट टाइप्स की सीड्स को लेकर आपको नोटिस करना है कि क्या उनकी शेप है, क्या उनका कलर है. जैसे कि आपके बुक के पेज नंबर 47 पे आपने देखा है कि एक चार्ट बना हुआ है, उसमें नेम ऑफ द सीड लिखा है. ठीक है, नेम ऑफ द सीड लिखा है, कलर लिखा है, शेप लिखा है और टेक्सचर लिखा है कि क्या वो स्मूद है, रफ है, कैसा है. ठीक है, तो नेम ऑफ द सीड क्या है? राजमा. कलर क्या है? रेडिश ब्राउन. शेप क्या है? जो आपका लाइक हर्ट की सॉरी किडनी की तरह, किडनी. तो इनको हम किडनी बीन्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी शेप जो है वो किडनी की तरह होती है. दैट्स व्हाई वी सेड राजमा, वी कॉल इट राजमा किडनी बीन्स. ठीक है, तो किडनी की तरह शेप होती है, और इनका टेक्सचर जो होता है वो स्मूथ होता है, कुछ का आपको रफ भी मिलेगा. ठीक है, जैसे आप अगर धनिया देखोगे, ठीक है, तो धनिया की जो सीड्स होती हैं वो जो होती है वो रफ होती है थोड़ी सी, ऐसी बहुत सारी. ठीक है, तो आपको ही ऐसे ही मतलब एक टेबल बनानी है. ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ सीड्स लिखी है, आपको और सीड्स पता करनी है कि कौन अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से, और उनको भी ऐसे ही टेबल बना के, और आपको लिखना है कि उनका कलर कैसा है, उनका टेक्सचर कैसा है, उनकी शेप कैसी है. ठीक है, एंड देखो कोरिएंडर सीड्स होगी, मस्टर्ड सीड्स, मेथी सीड्स, सीजन में सीड्स, कोरिएंडर, धनिया. ठीक है, एंड मस्टर्ड, मेथी. ठीक है, एंड सॉरी मस्टर्ड इस मस्टर्ड सरसों, मस्टर्ड सीड, सरसों, मेथी एंड सेसमे मीन्स जो तिल के दाने होते हैं, वाइट और ब्लैक कलर के होते हैं. ठीक है, तो मैंने डिफरेंट टाइप्स की सीड्स लिखी हुई है, आपकी डिफरेंट टाइप्स की सीड्स को जो है कलेक्ट करके आप उनकी बारे में ये टेबल बना के फिल करके मुझे सबमिट करोगे. ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वंडरिंग सीड्स. ठीक है, वंडरिंग क्या होता है? वंडरिंग मतलब कि घूमना. ठीक है, अब सीड्स अपने आप कैसे घूमती, आपने कभी नोटिस किया कि सीड्स मतलब बीज जो है वो अपने आप घूम रही होंगी, तो कैसे घूम रही होंगी? क्योंकि हम तो देखते नहीं हैं कि प्लांट्स मूव कर सकते हैं, जैसे हम मूव कर सकते हैं तो हम घूम सकते हैं, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकते हैं, बट प्लांट की जो सीड्स हैं वो कैसे मूव करती होंगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस. ठीक है, तो वो ही है कि प्लांट्स की जो सीड्स होती हैं वो भी मूव करती हैं थ्रू एयर.
एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, इन सब के थ्रू जो है प्लांट्स की जो सीड्स होती हैं वो मूव करते हैं, और उन्हीं सीड्स को हम वॉन्डिंग सीड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एयर, हवा चल रही है, ठीक है, अब कुछ सीड्स जो हैं वो प्लांट की हवा के साथ उड़ती हुई दूसरी प्लेस तक चली गई है, वहाँ पे मिट्टी में दब गई है और वहीं से वो उगना शुरू हो गई है, ठीक है। ऐसे ही पानी, पानी ज़्यादा डल गया है या बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश में बहते हुए चली गई है, ठीक है। तो यही मतलब मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो सीड्स हैं वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अब डिस्पर्सल मतलब और भी एनिमल्स की थ्रू भी जो सीड्स है वो घूम सकती है, जैसे कोई एनिमल या ह्यूमन बींग के थ्रू भी, ठीक है। एनिमल के थ्रू कैसे जा सकती है कि जैसे आप देखोगे कि कुछ एनिमल्स के लाइक बॉडी पे या हमारे कपड़ों पे सीड्स लग जाती हैं, कुछ कुछ चिपक जाती हैं, आपने देखा होगा, हम उन्हें कहीं पे भी जहाँ पे भी हमें दिखते हैं हम झाड़ देते हैं, तो वहीं पर वो लाइक ट्रैवल हो गई, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो ट्रैवल हो गई विद द हेल्प ऑफ एयर, विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ठीक है। ह्यूमन बींग्स पे भी जैसे कपड़ों पे लग गया या हाथ में लग गया है, ठीक है, तो उसके थ्रू वो ट्रैवल कर लेती है। अब सीड डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब फूड, ठीक है, अब डिस्पर्स हो रही है सीड, ठीक है, कि डिस्पर्स जैसे कि आप देखोगे कि पेज नंबर 48 पर दो पिक्चर्स दी हुई हैं आपको, ठीक है, एक वुल लाइक स्ट्रक्चर की पिक्चर है और एक फेदर लाइक, आपने बहुत देखा होगा, ठीक है। तो यही चीज जो होती है जब हवा के थ्रू, एयर के थ्रू, विंड के थ्रू एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेती हैं और फिर वहाँ पे जाके डिस्पर्स यानी कि फूट जाती हैं और वहीं से ये फिर और प्लांट जो है वो ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो हु कम फ्रॉम वेयर, ठीक है, कि नोइंगली अनोइंगली हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं या लाइक फूड आइटम्स हैं जो हमारी उग जाती हैं, ठीक है। अब देखो ओरिजिन ऑफ फूड, ओरिजिन ऑफ फूड की कौन सा फूड कहाँ से ओरिजिन हुआ है, आपके चैप्टर में लास्ट पेज पे पेज नंबर 50 पर एक पोयम दी हुई है जहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू आपको दिखाया गया है कि कौन सा फूड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। जैसे आई विल रीड द पोयम, फ्रॉम साउथ अफ्रीका लोंग साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो कम अ टोमेटो अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। तो साउथ अमेरिका से क्या आ रहा है हमारे पास, टोमेटो पोटैटो एंड ग्रीन चिली। आई विल राइट इट, टोमेटो पोटैटो और ग्रीन चिली, ठीक है। तो ये तीन आइटम्स हमारे कहाँ से आ रही हैं, लॉन्ग लॉन्ग बहुत पहले, ठीक है, साउथ अमेरिका से। डू यू नो दिस, अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप, यूरोप से क्या आ रहा है, कैबेज, ठीक है, एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से कहा क्या आ रहा है, पी अफ्रीका से नहीं है, पी यूरोप से ही है। अफ्रीका से क्या है, फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफी बीन एंड अ ग्रीन बीन, कॉफी बीन आ रहा है अफ्रीका से और ग्रीन बीन, ठीक है। देन दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, Did you know this? A mango saying, coming, coming. An orange smile inside its skin. Welcome to India. तो इंडिया में क्या है, ठीक है, इंडिया में क्या है, मैंगो, ऑरेंज, ठीक है। A banana said, the methi and spinach, brinjal and radish nodded its head. ठीक है, तो बनाना, ब्रिंजल, मेथी,
स्पिनच एंड रेडिश, तो ये सब क्या है इंडिया में, ठीक है जी। जिनो दिस, तो ये एक पोएम के थ्रू आपको बताया गया है कि कौन सी चीजें हैं वो कहाँ से आती है। साउथ अमेरिका से टोमेटो पटाटो ग्रीन चिली, यूरोप से कैबेज एंड पी, अफ्रीका से कॉफी बीन एंड भिंडी, और इंडिया मैंगो ऑरेंज बनाना ब्रिंजल मेथी स्पिनच एंड रेडिश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑरिजिन ऑफ फूड। अब ये हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है, ठीक है। तो हमने एक स्टोरी के थ्रू, जो भोपाल की स्टोरी थी उसके थ्रू हमने सीड जर्मिनेशन का कंसेप्ट हमारे माइंड में आया कि व्हाट इज सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी भी सीड को हम लाइक उसको पूरा मॉइस्चर दे के या पूरा प्रोसेस के थ्रू हम उसको सॉइल में या कहीं पे भी वाटर में हम उसको भिगो देते हैं या सॉइल में दबा देते हैं तो वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट देखे, हमने एक प्लांट और सीड एक्टिविटी करी, एक हमने प्रोजेक्ट देखा है कि जिसमें तीन बाउल्स को हमने सीड्स को डिफरेंट डिफरेंट तीन कंडीशंस में रख के हमने उनके चेंजेस को नोटिस किया, नोट डाउन किया, ठीक है। प्लांट और सीड में आपने एक प्लांट जो है वो सीड करा है, ठीक है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं आपको वो नोट डाउन करनी है कि फर्स्ट डे क्या चेंज आए, सेकेंड डे क्या चेंज आए, अप टू 10 to 15 days आपको बहुत सारा चेंज आपको नोटिस हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लांट विच हंट, जो पिचर प्लांट होता है वो हंट करता है, ठीक है, कि लाइक जैसे ही उसके सामने इंसेक्ट्स या फिर कुछ आते तो वो अपनी लीफ में उसको दबा लेता है। सो मैनी सीड्स हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स देखी है, लिस्ट बनाई है, देन उनका स्ट्रक्चर हमने फाइंड आउट किया है कि वो दिखने में क्या है, कलर क्या है, उनका सरफेस कैसा है, स्मूथ है, रफ है, कैसा है, ठीक है। देन वॉन्डिंग सीड एंड सीड डिस्पर्सल, की वॉन्डिंग सीड्स की सीड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे ट्रैवल करती हैं, ठीक है, नेचुरली कैसे ट्रैवल कर लेती हैं, और फिर उसके बाद वो कैसे वहाँ जाके डिस्पर्स हो जाती हैं, कैसे वहाँ जाके वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाती है, उगना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमने ओरिजिन ऑफ फूड पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड की जो सीड्स हैं हमारे पास कहाँ कहाँ से आती है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, और कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन आस्क मी दैट। थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ।